देखो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में हम वो टेस्ट लेंगे जो आपको दिखाई दे, ठीक है, या तो उनका कोई पीपीटी चेंज हो, या कलर चेंज हो, या कोई गैस इवॉल्व हो, ठीक है, ऐसा कोई चेंज दिखाई देगा तो वो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बन जाएगा उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, तो सबसे पहले आपका आता है टेस्ट टू डिस्टिंग्विश हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लिए हम जो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश यूज करेंगे वो देखो AgNO3 टेस्ट, ठीक है। तो पहले हमने लिया RX, रिएक्शन कराई KNO3 के साथ, KOH के साथ, और बनाया R, OH और KX, ठीक है। अब सेकंड में KX को रिएक्ट कराया AgNO3 के साथ और बनाया KNO3 और AgX, ठीक है। तो दूसरा क्या आता है आपका, बेंजीन एक्स, ठीक है, एरीन हैलाइड। एरीन हैलाइड को KOH के साथ रिएक्शन कराए तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अच्छा, एक दूसरी बात, अगर हम इसको AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएं तो यहां पर कोई प्रेसिपिटेट नहीं आएगी, और यहां पर AgX की प्रेसिपिटेट्स आती हैं। अब एक तो बात आपको समझने की, AgX की प्रेसिपिटेट कौन कौन सी हैं? देखो AgCl, AgBr और AgI, AgCl की प्रेसिपिटेट कौन सी बेटा आपकी? व्हाइट प्रेसिपिटेट। AgBr की येलो, AgI की येलो। आपको ध्यान रखना है जो AgCl है ना वो सॉल्यूबल है NH3 में, और ये पार्शियली सॉल्यूबल है NH3 में, नॉट सॉल्यूबल इन NH3। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो आपको डिफरेंस करने के लिए आ सकता है ब्रोमो ब्यूटेन वर्सेस क्लोरोब्यूटेन, तो आप क्या बताओगे? प्रेसिपिटेट के कलर का फर्क, दूसरा आता है आपका ब्रोमोब्यूटेन वर्सेस ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब एक ये आ सकता है बेटा, देखो जरा क्लोरोबेंजीन वर्सेस क्लोरोब्यूटेन। अब इनमें से कौन कौन है जो पॉजिटिव टेस्ट देगा? ये देंगे पॉजिटिव टेस्ट, ये देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा। बेंजीन वाला तो टेस्ट ही नहीं देगा। अब जो पहले दोनों है, जो पहले वाला है, इसके अंदर क्या करोगे आप? पीपीटी का कलर, उससे फर्क पता चलाओगे, ठीक है। तो बेटा पहला था आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन का, दूसरा है अल्कोहल का। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल पहले तो दिखते कैसे? ये है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है आपका टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। इनमें डिफरेंस कोई पूछे आपको तो आप क्या बताओगे? देखो क्या लिखा है, रिएक्टिविटी का डिफरेंस, ठीक है।
जितना ज्यादा घिरा हुआ है उतना ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब स्टेरिक इफेक्ट। यहां जाते हुए स्टेरिक इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, तो स्टेरिक इफेक्ट इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। हाँ, ये आसानी से छोड़ देता है OH को, किसको छोड़ देता है? देखो ये छोड़ना है हमें, ये तो हमने कहा एक ऐसा टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करते हैं जिसमें हम ये देखें कि कौन आसानी से OH छोड़ रहा है। तो हमने क्या ले लिया? ल्यूकास्ट एजेंट। तो टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के लिए, अल्कोहल के टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के लिए हम किसको इस्तेमाल करेंगे? ल्यूकास्ट एजेंट। क्या है भाई ल्यूकास्ट एजेंट? ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ठीक है, अच्छा अब रिएक्शन करा के देखते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल हो गया आपका R। अब कोई भी बेटा जब एग्जाम में करो ना तो R मत लिखना, कोई कार्बन की चेन लिख देना, जैसे CH3CH2OH, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल और ये है आपका टर्शियरी अल्कोहल। इसको रिएक्ट कराओ ल्यूकास्ट एजेंट से, यानी कि HCl से ZnCl2 की प्रेजेंस में। तो आपको क्या देगा? ये देगा टर्बिडिटी, व्हाइट टर्बिडिटी। अब आपको समझना क्या है, ये व्हाइट टर्बिडिटी कैसे देता है? अभी बताया था टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है, तो टर्शरी तो तभी दे देगा। इमीडिएटली, और ये विद इन 5 to 7 मिनट, ये सिर्फ हीट करने पर। बात ठीक है गलत है? तो ये तो बात हुई आपकी टेस्ट टू डिस्टिंग्विश की। अब आप कहोगे भैया यहाँ ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ये बता दिया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल क्या, और वो यहाँ पे आपको चीजें क्या क्या ध्यान रखनी है। एक, आप रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर कभी ये भी क्वेश्चन आ जाए ना कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो आप रिएजेंट ही लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा, आपको रिजल्ट साफ दिखाई दे रहा है उसका, जैसे यहाँ पे टर्बिडिटी रिजल्ट है तो आपका दिखना चाहिए, नहीं दिखा तो नंबर कटेंगे। तीसरा, ज्यादातर टीचर इस बात के भी नंबर काट लेते हैं, मुझे नहीं लगता कोई लॉजिक है, कि टेबुलर फॉर्म में होना चाहिए, तो उसका भी ध्यान दे लो तुम्हारा क्या जा रहा है, मार्क्स गड़बड़ नहीं होने चाहिए ना। अब देखो, अब क्वेश्चन देखो, पहला ब्यूटेनॉल, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ब्यूटेनॉल का ब्यूटेन टू ऑल, अभी आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, तो काम चल जाएगा। दूसरा, अगर कोई यूं कहे 2-methyl butane 2-ol, तो ये तो टर्शियरी है, इसका किसके खिलाफ निकालना बेटा? ब्रोमो ब्यूटेन। तो आप ये नहीं कह सकते कि भैया ये तो देगा ल्यूकास्ट एजेंट टेस्ट, वो नहीं देगा। जरूरी नहीं है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में ही हो, किसी अल्कोहल का किसी भी के साथ, ठीक है। अच्छा, ये गलती मत कर देना कि प्राइमरी अल्कोहल लिख लो, कोई ब्यूटेन नॉन लो और उसका निकालो ब्रोमो ब्यूटेन से। क्यों बेटा? ब्यूटेनॉल टेस्ट नहीं देता, ऑन हीटिंग देता है ना, इसका नेगेटिव टेस्ट माना जाता है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए नेगेटिव टेस्ट माना जाता है। लिखो ल्यूकास्ट एजेंट टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट जो है ना बेटा आपका, ये प्राइमरी अल्कोहल के लिए नेगेटिव माना जाता है। अगर कभी कल को क्वेश्चन आ जाए कि क्या ल्यूकास रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता, तो आप कहोगे नहीं, तो तुम कहोगे भैया हीटिंग कैटलिस्ट नहीं होगा। हम कह रहे हैं ल्यूकास रिएजेंट के साथ टेस्ट करता है, नहीं, हीटिंग पे करता है, तो कैटलिस्ट डाला ना, कुछ और भी चीज डाली ना, समझ में आया? तो अच्छा, ल्यूकास रिएजेंट टर्शियरी अल्कोहल के लिए ही पॉजिटिव टेस्ट माना जाता है, ठीक है, सेकेंडरी के लिए माना जाता है, लेकिन मेन ये टर्शियरी अल्कोहल के लिए माना जाता है। तो ये अल्कोहल वाला हो गया। अब अगला टेस्ट देखना बेटा,
फिनॉल, जैसे ही आपके दिमाग में फिनॉल आए तो सबसे पहले आना चाहिए FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट किया, जरा देखो फिनॉल को अगर FeCl3 के साथ रिएक्ट कराया तो ये वॉयलेट कलरेशन देता है, ठीक है। प्रोडक्ट का रिएजेंट लिखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी ने भी लिखा, लेकिन और ये किसके साथ, किसी और के साथ कोई कलर नहीं देता, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इसे यूज मत करो, ये रिएक्शन मत करना। तो क्या करें, कार्बोक्सिलिक एसिड की पॉजिटिव रिएक्शन करना, कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश क्या है हम वो देखेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिड, तो हम एसिड के लिए एसिडिक करैक्टर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे। अब जरा ध्यान दो, अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक के लिए कह रहा हूं मैं, सिर्फ मार्केट में 3 एसिड कौन कौन से, एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बता दूं, एल्कोहल जो है ना वो पानी से भी कमजोर है, एल्कोहल के बाद पानी आता है, फिर फिनॉल आता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेसिकली देखा जाए तो एल्कोहल एसिड ही नहीं है, लेकिन हम यहां पे इन तीनों की ही एसिडिक करेक्टर को देखते हैं। देखते हैं, देखो ये एल्कोहल है, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके RONA बनाता है और आधा हाइड्रोजन छोड़ता है, ठीक है। अगर ब्रोमोब्यूटेन इसकी बात करें बेटा, हम एल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आप ना 3 तरीके के एसिड ध्यान में रख लो, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, अब जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है ना उसके साथ तो ROH रिएक्ट करता है, लेकिन मैं अगर बात करूं NaOH की, यानी कि एक नॉर्मल एसिड की, तो उसके साथ ये रिएक्ट नहीं करता, और वीक एसिड के साथ तो बिल्कुल नहीं करता। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वीक एसिड है, अरे उल्टा लिख दिया बेटा, सब जगह बेस हैं सारे, ये स्ट्रॉन्ग बेस, ये नॉर्मल बेस और ये वीक बेस, तो वीक बेस के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, तो ROH जो है ना आपका ROH वो सिर्फ RONA के साथ रिएक्ट करता, मतलब बहुत वीक एसिड है, बताया ना पानी से भी वीक है, और इससे ज्यादा वीक क्या होगा। अगला, अगर मैं आपसे फिनॉल की बात करूं तो देखो, अब फिनॉल इससे तो ज्यादा एसिडिक है, और वो Na के साथ रिएक्ट करता है, हाँ करता है, वो NaOH के साथ करता है, हाँ NaOH के साथ भी करता है, लेकिन नहीं करता NaHCO3 के साथ। अब बारी आती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ करता है RCOONA बनाता है, NaOH के साथ करता है RCOONA बनाता है, और NaHSO3 के साथ भी करता है,
ठीक है। अब जरा ध्यान दो, यहां पे जो एक साइड प्रोडक्ट निकलता है उसको हम फिजिकली जज कर सकते हैं क्योंकि इसकी एक आवाज आती है ब्रिस्क ऑफ एब्सेंस, ठीक है। अगर वो आ रही है आवाज तो आप कहोगे कि भैया उसको तो हम आगे कंफर्म भी कर सकते हैं कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा के, क्योंकि वो कैल्शियम का कार्बोनेट बनाता है जो मिल्की होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश आए कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस मैं फिनॉल ले रहा हूं या कोई और भी हो सकता था यहां पे, तो आप क्या करोगे? पहले तो लाइन खींचेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे NaHSO3 के साथ, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट नाम है इसका, रिएजेंट जो है वही इसका नाम है, और बनाएंगे हम RCOONaCO2 और H2। ये रिएक्शन यही खत्म नहीं हुई, CO2 को आगे भी रिएक्शन करानी है आपको। CO2 को रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड के साथ और बनाएंगे कैल्शियम का कार्बोनेट जो मिल्की होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे ले लेता फिनॉल दो, नो रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन ही नहीं हुई तो आगे कोई मिल्की वगैरह कलर भी नहीं आएगा। ये समझ में आया? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट है, ठीक है। तो कभी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल का है तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉजिटिव टेस्ट देंगे, ठीक है। इसके बाद बारी आती है एल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। तो पहले तो एल्डिहाइड कीटोन को अगर हम देखें तो एल्डिहाइड कीटोन है क्या? दोनों कार्बोनाइल है, ये और ये दोनों आपके कार्बोनाइल ग्रुप है, ये दोनों आपके कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। अगर ये आपके कार्बोनाइल ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्बोनाइल ग्रुप के लिए तो कोई टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कर ले। पहला टेस्ट 2,4-dinitrophenyl टेस्ट, ठीक है। नाम ही इसका ये है DNP टेस्ट। अब पहले 2,4-dinitrophenyl देख लो, देखो ये है आपका फिनाइल, इसके 2-phenytro, इसके 4-phenytro और ये आपका हाइड्राजीन, ठीक है। 2,4-dinitrophenyl हाइड्राजीन हो गया। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ, तो ये O और ये H जाएगा, पानी निकलेगा और आपको कलर मिलेगा, तो क्वेश्चन अगर आता है कि कोई चीज पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट देती है इसका मतलब वो एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई है, लेकिन अभी ये तो नहीं पता चला कि वो एल्डिहाइड या कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन की प्रॉपर्टी कौन सी है जो उनको टेस्ट टू डिस्टिंग्विश में काम आती है? वो है उनका ऑक्सीडेशन करने की प्रॉपर्टी, ठीक है। हम जानते हैं एल्डिहाइड ज्यादा आसानी से ऑक्सीडेशन करता है एज कम्पेयर टू कीटोन। तो एक टेस्ट हो गया आपका कि कार्बोनाइल को किसी और से पता लगाओ, ठीक है, कार्बोनाइल वर्सेस कोई भी। अब आ रही है बात एल्डिहाइड और कीटोन में टेस्ट टू डिस्टिंग्विश क्या होगा, देखते हैं। दो तीन टेस्ट है, पहला है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, अब जरा ध्यान दो। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट का दूसरा नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। हमने RCHO लिया,
उसको रिएक्ट कराया AgNH3 होल ट्वाइस के साथ, यही है आपका टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल्स लिए और 3OH आयन के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई, ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड का और कार्बोक्सिलेट आयन मिला, दो एजी यानी कि सिल्वर निकले। और जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी उसपे सिल्वर की कोटिंग हो गई, ठीक है, तो ये मिरर टाइप बन गया, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्लियर है, सिल्वर मिरर टेस्ट। अच्छा, अब इसके अलावा और किसी को इसके साथ रिएक्ट कराते तो हम, ये तो था एल्डिहाइड आपका, अगर यहां एल्डिहाइड की जगह होता कीटोन, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में। कोई सिल्वर मिरर नहीं बनता, कोई सिल्वर मिरर नहीं बनता, टेस्ट नहीं होता। अब आपको क्या ध्यान रखना है, टॉलेंस रिएजेंट है क्या, AgNH3 होल ट्वाइस, और ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ये कैसे ऑक्सीडाइज कर देता है एल्डिहाइड को, क्योंकि एल्डिहाइड के पास है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, नोट करके लिख लो। एल्डिहाइड के पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये टॉलेंस रिएजेंट और पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है। ठीक है, अब पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देख लेते हैं। पहले तो ये समझो पेलिंग सॉल्यूशन क्या है, रोशेल सॉल्ट और कॉपर सल्फेट, ये दोनों मिलके पेलिंग सॉल्यूशन बनते हैं, रोशेल सॉल्ट और कॉपर सल्फेट। ठीक है, रोशेल सॉल्ट को मैंने आपको लेसन नंबर 12 में बताया था। अब देखते हैं, तो फैलिंग सॉल्यूशन को हमने एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कराया, एल्डिहाइड दे गया टेस्ट, आयनिक इक्वेशन है, आसान सी तरह ध्यान दो, इसमें करना क्या है, क्या ध्यान रखना उसको देखो, RCHO रिएक्ट कर रहा है कॉपर 2+ आयन के साथ, कॉपर 2+ आयन मतलब क्यूप्रिक आयन, ठीक है, 5OH- आयन के प्रेजेंस में, तो या KOH बोल लेते हैं इसको, ठीक है, तो जब ये बनाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का रिडक्शन होगा, कॉपर ने अपने आप को क्या करा, रिड्यूस और ऑक्सीडाइज कर दिया इसको, ऐसे याद रहेगा, और ब्राउन रेड पीपीटी मिली, रेड ब्राउन जो मर्जी बोलना, ठीक है। ये तो बात हुई एल्डिहाइड की, अगर मैं यहां पे आपका कीटोन लेता तो कीटोन इसका नेगेटिव टेस्ट देता है तो आंसर आता नो रिएक्शन। ठीक है, अब एक आता बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, पेलिंग सॉल्यूशन जैसा, लेकिन कोर्स में नहीं है तुम्हारो बोली, तो हमारे पास आ गया अब आपका टॉलेंस रिएजेंट हो गया, हमने एल्डिहाइड कीटोन में टेस्ट टू डिस्टिंग्विश कर लिया, खत्म। अब एल्डिहाइड कीटोन के बाद बारी आती कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने पहले करा दिया, अब अमीन, अब बेटा जरा ध्यान दो अमीन टेस्ट, यहां पर पहले समझ लो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन है क्या, ये कार्बन की चेन पे नहीं होते, नाइट्रोजन के ऊपर होते,
आर एन एच टू आपका प्राइमरी है, आर एन एच आर सेकेंडरी है, और आर एन आर टर्शियरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश किससे करेंगे, तो वह हिंसबर्ग रिएजेंट। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट है क्या, ये है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, अब हिंसबर्ग रिएजेंट में आपका जो क्लोरीन है वो रिएक्ट करेगा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी के NH2 के H के साथ, तो आपको ये देखना है कि NH2 के पास कितने H हैं। देखो अब प्राइमरी के लिए, प्राइमरी अमीन की अगर मैं आपसे बात करूं तो वो ये है R NH2, उसको रिएक्शन कराया मैंने हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ, तो निकल गया HCl, HCl निकल गया, बचा क्या R NH SO बेंजीन, HCl बाहर। ठीक है, अभी इसके पास एक H और है, मतलब अभी आगे जाके ये किसी एल्किली जैसे QH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, करवा दो भाई इसको, करा दे। तो आप ये लिख दो सॉल्युबल इन एल्किली लाइक KOH। ठीक है, अब सेकेंडरी की बात करो तो सेकेंडरी अमीन में ये है आपका सेकेंडरी अमीन, एक एच है और वो रिएक्ट करेगा सीएल के साथ हिंसबर्ग रिएजेंट के। ठीक है, और देगा आर एन आर, ये ठीक है, नॉट सॉल्युबल इन एल्कली, एल्कली में सॉल्युबल नहीं है। टर्शियरी अमीन, इसके पास एच ही नहीं है, तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा, नो रिएक्शन। ठीक है, अब सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए जो पॉजिटिव टेस्ट है, चाहे वो प्राइमरी अमीन ये हो चाहे एनिलीन हो, वो है आपका कार्बिलामाइन टेस्ट। ये कल मैंने बताया भी था आपको नेम रिएक्शन में, नेम रिएक्शन के तौर पे भी आया था कार्बिलामाइन रिएक्शन। देखो कार्बिलामाइन टेस्ट में आपके पास ये अमाइन है, ठीक है, इसको हमने CHCl3 के साथ रिएक्शन कराया तीन KOH की प्रेजेंस में, तो तीन तो KCl बाहर हो गए, सारे H लेकर ये OH बाहर हो गया, बचा क्या R N C जिसकी फॉल स्मेल आती है, क्या है ये आइसोनाइट्राइन। ठीक है, अच्छा प्राइमरी अमीन देगा और यही पूरा टेस्ट एनिलीन भी देगा, तो अगर एनिलीन के लिए कोई अलग से टेस्ट ही हो, तो अब इसी टेस्ट को देखो आप एनिलीन के साथ, देखो ये आपका एनिलीन है, ये एनिलीन है। अब एनिलीन को हमने रिएक्शन कराया CHCl3 के साथ तीन KOH की प्रेजेंस में, ठीक है, ये रखिए जो Cl को ले गया, तीन KCl बाहर, ठीक है, अब OH देखो, ये रहे तीन OH, एक H ये रहा, दो H ये रहे, तीन H और तीन OH, क्या बनाएंगे, तीन पानी,
हो गया। अब बचा क्या ऊपर बेंजीन के, सिर्फ N और ये बचा हुआ C, फॉल्स मैन। कोई दिक्कत? लेकिन फिर भी कोई आपसे कहे कि एनिलीन का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करो, एनिलीन का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करो, तो क्या यूज करेंगे हम? कपलिंग टेस्ट। कपलिंग टेस्ट आपको दो जने देते दिखेंगे, एक तो एनिलीन और एक फिनॉल। किसके साथ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ। पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं हम, और इसको रिएक्ट कराते हैं फिनॉल के साथ। यहां एच है, ये गया सी एल। ऑरेंज डाय, अब ये बेटा ध्यान नहीं रहता मेरे को ऑरेंज है कि येलो है, वो देख लेना आपको। ठीक है, सेम रिएक्शन है, जो भी मैं बता रहा था आपको एनिलीन के लिए। एनिलीन के लिए देखो, एनिलीन में ये हटा दो, बाकी कोई चेंज नहीं है, बन गया एनिलीन। और डाई अगर वो ऑरेंज है तो येलो होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखो, एक टेस्ट टू डिस्टिंग्विश और बन जाता है हमारा, CHCl3 और CCl4 का। अभी CHCl3 का ऊपर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बताया, वैसे तो वो कार्बिलामाइन का रिएजेंट है, लेकिन उसका भी तो टेस्ट हो सकता है। आप क्या करो, आप RNH2 को रिएक्ट कराओ CHCl3 के साथ 3 KOH की प्रेजेंस में, तो वो आपको RNC देगा, हाँ, और फाउल स्मेल देगा। तो ये भी तो, ये इसको भी तो टेस्ट कर सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करो, तो रिएजेंट ही हो तो खुद ही, तो अपने आप ही कार्बिलामाइन का टेस्ट देगा। तो इनके बीच में कौन सा टेस्ट बनेगा? कार्बिल अमाइन टेस्ट। और अगर प्राइमरी अमीन को आपने CCl4 के साथ रिएक्ट कराया तो यहां पर रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, यहां लगभग आपके टेस्ट टू डिस्टिंग्विश समाप्त है बेटा, कोई बचा हो तो बता।